है वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं टूटिंग हॉस्पिटल का अंदर में है और मैं यहाँ सुबह का नज़ारा है, ठंडा दिन है और मेरा मास्क को मैं खुलता हूँ। ये टूटिंग हॉस्पिटल है, ये टूटिंग हॉस्पिटल का नज़ारा है, देखिएगा। टूटिंग में जब भी पेशेंट आता है, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है और कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है। जब टूटिंग हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाता है तो कोई यहाँ मेडिसिन नहीं है, सभी लोगों ने किसी के पास में पैसा हमेशा अपने साथ में नहीं होता है। यो और आदमी जो है आपका चौथा बोरा सब लोग यहाँ रहते हैं और बोरा आदमी लोग अपना कार वार पकड़ के चले जाते हैं वहाँ पासीघाट रिंग्योंग ईटानगर चले जाते हैं आर के हॉस्पिटल तरफ में, और गरीब लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं अपना सफ़र के लिए, पैसा साथ में नहीं होता है, उनको भी आप देख लीजिएगा। और ये मेडिकल बना हुआ है काफ़ी साल पहले, मुझे ऐसा लगा कि 1962 लड़ाई में ये बनाया हुआ है और ये बहुत साल का मेडिकल जैसा मेडिकल लग रहा है। और इसको भी आप लोग सरकार आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा टूटिंग सर्कल का ये मेडिकल ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ये बॉटम लगाया हुआ है यहाँ पे, बॉटम देखिए ये बॉटम लगाया हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आरसीसी वॉल होना चाहिए, आरसीसी पोस्ट होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये टूटिंग हॉस्पिटल का नज़ारा है। और यहाँ में टूटिंग का लोग लीडर लोग एमएलए से क्यों नहीं मिलते हैं और मिनिस्टर से क्यों नहीं मिलते हैं, और उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। और देखिए मेडिकल में ऐसा बिस्तर है, आप देखिएगा पासीघाट का बिस्तर कैसा है, ईटानगर का बिस्तर कैसा है, गुवाहाटी का बिस्तर कैसा है, ये देखिए टूटिंग में अभी तो यही मतलब बिस्तर है। और यहाँ में बेड बेड नहीं है, यहाँ स्पून नहीं है, मैट्रेस नहीं है, यहाँ पेशेंट लोग यहाँ आ जाते हैं ठंडी से यहाँ रह जाते हैं, देखिएगा। और ये प्लास्टिक बिछाया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये टूटिंग हॉस्पिटल का ये मैट्रेस है, ये मैट्रेस आप ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू कलर का प्लास्टिक है, ये देख लीजिएगा ये प्लास्टिक किस काम का, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ में मैट्रेस एक बिछाना है और यहाँ और बढ़िया कंबल चाहिए होते हैं पेशेंट लोग के लिए, और पेशेंट लोग के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ यहाँ, आप देख लीजिएगा। टूटिंग हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए 2 किलो होना चाहिए, देखिए यहाँ सिंगल किलो में दे चुका है, ऐसे मतलब टेम्पररी कर रहा है टूटिंग हॉस्पिटल में, आप देखिएगा। और मेरा आवाज़ जो हर कोने में घूमना चाहिए और मेरा चेहरा हर कोने में घूमना चाहिए, देखिएगा। यहाँ बेसिक नहीं है, मैट्रेस नहीं है, यहाँ देखिए पेशेंट यहाँ कैसा रहेगा रात भर कैसा गुजारा करेगा यहाँ, देखिएगा। ये कंबल दिख रहे कि अब बहुत पतला सा कंबल है, बहुत ठंडी से अभी यहाँ जो भी मेरे पेशेंट आता है सो जाएगा, देखिए। ये आप लोग ऐसा कीजिएगा, यहाँ एक मैट्रेस बढ़िया वाला मैट्रेस दीजिएगा और एक पेशेंट को 2-2 किलो दीजिएगा। और मैं बेडशीट को भी दिखाता हूँ, ये सब पेपर काफी साल का है, ये कैप्साइज है, ये स्टैंड जो है कैप्साइज है, ये स्टैंड जो है आपका स्लाइन का स्टैंड है, ये यहाँ स्लाइन को लेकर आता है। और ये देखिए इसका कोई टायर नहीं है, नीचे में आप खुद देख रहे कि यहाँ देखिए टायर नहीं है, यहाँ एक काला टायर होता है, देखिए
देखिए, और यहाँ का टायर जो हमारा टूट गया देखिए, टूटिंग हॉस्पिटल में ऐसा है। अचानक ये इसका टायर जो सही होने से एक दो तीन चार चारों होते हैं यहाँ टायर होते हैं, जो टायर चार टायर होने से ये यहाँ का पेशेंट जो यहाँ पेशेंट जो सो रहे हैं, तो ये अचानक कुछ हिल गया तो ये थोड़ा कैप्सूल होकर गिर जाएगा। गिरने से क्या होगा, वहाँ का जो इंजेक्शन लगाया होगा जो पाइप जो इंजेक्शन का पाइप जो खुल जाएगा, खुल के पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। देखिए एक छोटा सा गलती के लिए एक इंसान चला भी गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारा टूटिंग में। देखिएगा ये चलाएंगे इस दिन पर हिल रहे, ये क्यों नहीं हिलना चाहिए। देखिए टेम्पोरली सब टूटिंग हॉस्पिटल में हम ऐसा लगा रहे कि सब टेम्पोरली हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ का डॉक्टर भी मतलब केयरलेस हो रहा होगा शायद। और जब भी मतलब आप लोगों ने आता है यहाँ टूटिंग हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी के लिए आता है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा जब भी आपका ऑफिस टाइम हो या ये मेडिकल का टाइम हो, आपका कम से कम सुबह आप उठिएगा 6 बजे 7 बजे और आपका ड्यूटी है 8 बजे 9 बजे को होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं 10 बजे 11 बजे आ जाते हैं और पेशेंट रुक रुक के वापस चला जाता है, ऐसा आप लोग मत कीजिए। आप लोग अच्छी तरह से ये आप लोग का मंदिर है, ये हॉस्पिटल जो ये आप लोग का मंदिर है, आप लोग इसको साफ सफाई करना आप लोग का काम है, और इसी मंदिर से आप लोग पेमेंट मिलता है और इसी मंदिर से आप लोग खाना खाते हैं। देख लीजिए आप लोग सोचते हैं कि हम जब भी टाइम में आ जाएगा ये हॉस्पिटल में तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा आप मत सोचिए। टूटिंग हॉस्पिटल डॉक्टर लोग नर्स लोग ऐसा मत सोचिएगा, और आप यहाँ अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पब्लिक कुछ नहीं बोलेगा, और अपना आप ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं ओवर टाइम में आप आ जाते हैं तो पेशेंट रुक रुक के यहाँ कोई मर जाता है, कोई वापस भी चला जाता है। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अच्छी तरह से गुजरने के लिए कोशिश करना है। सभी लोगों को दिल दिमाग सेम नहीं होते हैं, और किसी का सोच विचार अलग होते हैं और किसी का प्लानिंग अलग होते हैं, ऐसा आप मत करिएगा। और ये पर्दा भी देखिए, ये पर्दा किस टाइप का पर्दा यहाँ लगाए गए आप खुद देख लीजिएगा। देखिए टूटिंग हॉस्पिटल को आप देखिएगा, जो मैं आज यहाँ न्यू ब्लॉग बना रहे हैं टूटिंग हॉस्पिटल में है, और मेरा आवाज़ हर कोना में जा रहा है और मेरा चेहरा हर कोने में जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं यहाँ सुबह 5 बजे ये नवंबर 31 तारीख को मैं यहाँ टूटिंग हॉस्पिटल में है, और मैं यहाँ नर्स लोग का रूम को भी मैं दिखाता हूँ, पूरा अंदर है, मैं जल्दी आ गया आपको दिखाने के लिए। देखिएगा ये टूटिंग हॉस्पिटल का नज़ारा है, और मैं यहाँ साइन बोर्ड तलाश कर रहे हैं। देखिएगा ये टूटिंग हॉस्पिटल है, आप ध्यान में कैमरा को धीरे मुड़ रहा हूँ सामने और नज़दीक लाता हूँ। देखिए ये टूटिंग हॉस्पिटल का साइन बोर्ड का नजारा है, देख लीजिए ध्यान से आप। तो फिर मैं आपको दिखा दिया, मैं अभी बैक साइड की तरफ भी मैं जा रहा हूँ, अभी पूरा अंदर है, मुझे ऐसा लगा कि जल्दी आ गया, बहुत फूकी है। मैं अभी बैक साइड की तरफ जा रहा हूँ, टूटिंग हॉस्पिटल वहाँ है, मैं उसी तरफ से आया हूँ। देखिए ये सुबह का नज़ारा है अगल बगल, हमको जाना है कि उसी तरफ जाके मैं लेफ्टी की तरह मैं मुड़ता हूँ तो मेरा पांगो मेरा गांव मिल जाएगा, और मैं कैमरा को धीरे मुड़ता हूँ। आप लोग देख लीजिए आकाश में पूरा बादल है, पूरा देख लीजिए, मैं उसी तरफ से आया हूँ, उसी तरफ से आके मैं यहाँ
टूथिंग हॉस्पिटल में कुछ अपना न्यू ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभी जो बन है दुकान लगा हुआ है, अभी ये दुकान नहीं है, ये फार्मेसी है। फार्मेसी इतना नज़दीक है और टूथिंग हॉस्पिटल में कुछ भी मेडिसिन नहीं मिलते हैं। और कोई पेशेंट लोग का जॉन्डिस बीमार, टाइफॉइड बीमार और गैस्ट्रिक बीमार, और कोई किसी का अल्सर, और कोई किसी का काशी बुखार भी हो जाता है कभी कभी। और कोई कोई लोग यहाँ हमारा अरुणाचल में ज़्यादातर केत का काम करते हैं, केत का काम करने से अपना हाथ पाँव किसी और का केयरलेस से कट जाता है, तो उसी के लिए भी यहाँ एकदम कुछ नहीं कर पा रहा है टूथिंग हॉस्पिटल में। और मैं आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ असम की तरफ आता है कोई यहाँ हमारा अरुणाचल में, तो उनको भी आप लोग मोह सोचिएगा कि ये असम का है। असम का लोग यहाँ अरुणाचल का बड़ा बड़ा आदमी लोग के पास में ये मिस्त्री काम कर लेता है, और वो भी बीमारों के आ भी गया तो उसको भी अच्छे से देख लेना। और हमारा अरुणाचल प्रदेश का ये बैक साइड कोना अपर सियांग, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। और हाँ, मानते हैं यहाँ टूथिंग हॉस्पिटल में ऑपरेशन को नहीं कर पाएगा, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ये टूथिंग हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो नहीं कर पाएगा। और छोटा मोटा बीमार को आप लोग इलाज करने के लिए कोशिश कीजिएगा, मैं इतना आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज। तो फिर मैं इसी ब्लॉग में मैं अपना न्यू ब्लॉग को खत्म करना चाहूँगा, और मैं लंबा करता भी है तो कोई लोग देख के बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टूथिंग हॉस्पिटल के अंदर में किसी का कान में ये गलत आवाज़ मत सुनाइएगा। टूथिंग का डॉक्टर लुक, टूथिंग का नर्स लुक, तो अच्छी तरह से आप करने के लिए कोशिश कीजिएगा, अपना ड्यूटी को फॉलो कीजिएगा अच्छी तरह से। मैं इतना आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग का पैर चू रहा हूँ मैं, टूथिंग का डॉक्टर का पैर चू रहा हूँ, टूथिंग का डॉक्टर का नर्स का पैर चू रहा हूँ मैं, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं इसी ब्लॉग में अपना न्यू ब्लॉग को खत्म करना चाहूँगा। यहाँ डस्टबिन टूथिंग का देखिए, टूथिंग का ये डस्टबिन यहाँ देखिए, टूथिंग का डस्टबिन यहाँ है बाल्टीन में, ये ब्लू कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ है देखिएगा। और देखिए यहाँ ऑरेंज का कवर लगा हुआ है, यहाँ अगल बगल में आप देख लीजिए, ऑरेंज का कवर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पेपर लगा हुआ है देखिए, और यहाँ बिस्किट का कवर लगा हुआ है यहाँ देखिए। ये क्या तरीका है, ये क्या आइडिया है, ये क्या जानकारी हो सकता है? इसका मतलब अपना रूम में भी वो लोग कुछ डस्टबिन मतलब फेंक लेते हैं मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए पब्लिक, देखिए मैं पूरा डाल दिया वहाँ, और अगल बगल का देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ सिग्नेचर का काया हुआ है, देखिए सिग्नेचर काया हुआ है यहाँ मेडिकल का आदमी लोग, ये देखिए सेंटर प्रेस नहीं है, ये सेंटर पुरुष काया हुआ है, और देखिए तिरंगा मतलब काया हुआ है, और यहाँ चॉकलेट वगैरह भी काया हुआ है देखिए। तो इसको मैं ये डस्टबिन में डाल रहा हूँ देखिए, ये डस्टबिन है 1 2 3 4 चार आई थे पूरा बाहर में मतलब फेंक चुका है पूरा टूथिंग हॉस्पिटल में, अंदर में ये डस्टबिन लगाया हुआ है। ऐसे आप लोग मत कीजिएगा, टूथिंग को साफ सफाई से आप लोग रख लीजिएगा मेरे हिसाब से। मैं बाहर का भी मैं देख के आया हूँ कैसा है बाहर का हॉस्पिटल देखिएगा। और यहाँ पेपर जो मतलब टूथ पड़ गया यहाँ देखिएगा, टूथिंग का हॉस्पिटल का ये पैर का ये पेपर जो टूट गया, ऐसा मत करिएगा। ये कम से कम आपका हो सकता है 120 150 हो सकता है, इसका इतना कीमत नहीं है। इसको भी आप लोग लाइन कहाँ में गेट है, ऑफिस का गेट, ये पेशेंट का गेट, और जहाँ फ्रेक में लोग कुछ काम करते हैं उसके रूम में भी आप ये सब डाल दीजिएगा। सरकार
मिलके एक ऐसा मत कीजिएगा। और देखिए ये तूती हॉस्पिटल के अंदर में है, डस्टबिन को ये रूम के अंदर में डल रहे हैं, ये तरह गलत बात है। यहाँ तूती हॉस्पिटल में यहाँ बिस्तर में पेशेंट सो जाएगा और इसका बदबू आ जाएगा, बहुत घटिया बदबू आ जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इसका जो डस्टबिन का यो बदबू जो कुछ बीमार हो सकता है, तो इसको दूर में रखने से बाहर का हवा इसका बदबू को कई दूर में लेके चलता है, ठीक है। मेरा बात को आप लोग ध्यान कीजिएगा। और वहाँ ब्लू कलर का डस्टबिन रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ अटैच करके रखता हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मैं रख लिया यहाँ डस्टबिन को। यहाँ क्या करता है वो लोग, पेशेंट का जहाँ पे पेशेंट सोता है उसी में डस्टबिन को ये रखते हैं। मैं आपको देखा लिया, ऐसा मत कीजिए आप लोग, मेरे बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और देखिए मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ, यहाँ मैं यहाँ गेट क्लोज किया हुआ है, इसको मैं ओपन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग कैसे क्या पता नहीं है। देखिए टूथिंग हॉस्पिटल का ये गिलास, देखिए गिलास टूथ पर गया। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, टूटिंग हॉस्पिटल का गिलास टूट गया, पूरा सारा गिलास टूट गया। देखिए पूरा कली है, ये क्या है, और मैं आपको बताता हूं, यहाँ टूटिंग हॉस्पिटल में देखिए ये लाकड़ी का बेंच है। देखिए पेशेंट लोग यहाँ डॉक्टर को वेट करके यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, ये लकड़ी है। ये क्या है, ये क्या जापे, मुझे ऐसा लगा कि जापे गाड़ी रोत नहीं आता है, जो गांव वाला वो गांव में अपना गांव में कोई कोई किसी का गांव में गाड़ी नहीं आता है तो बेंच से वो लोग बनाते हैं, तो इसी तरह यहाँ में बेंच मिल। और यहाँ बेंच में ज़्यादा रेस करने से ये पक्कर दर्द होते हैं, ऐसा आप लोग मौत कीजिए। यहाँ तूतिंग हॉस्पिटल में स्टील का ये बेंच होता है और स्टील का वहाँ में स्पून पीट किया गया हुआ है, और ऐसा स्पून चाहिए यहाँ, और यहाँ ऐसा बेंच चाहिए टूथिंग में ऐसा बेंच आप लोग मौत रखिएगा। देखिएगा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, टूथिंग में ऐसा बेंच नहीं होना चाहिए, जो पेशेंट लोग डॉक्टर लोग को वेट करने के लिए या मैं रेस्ट कर करके थक जाएगा तो वो सोच लेगा मैं बहुत रेस्ट कर लिया, मैं अगल बगल जाके देखता हूँ। और जब भी दवाई का जरूरत पड़ गया था उनके लिए, दवाई जरूरत पड़ गया था तो दवाई जरूरत पड़ते वो डॉक्टर आ गया, वो वहाँ दुकान में घूमते रहेगा। और यहाँ स्टील का स्पून बेंच होता था, वो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा रेस्ट करना था, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। और ये एम्बुलेंस गाड़ी देखिए टूथिंग में एक ही है, और ये काफ़ी पुराना है, मुझे ऐसा लगा कि एक एम्बुलेंस काफ़ी पुराना है। देखिए ये लगा हुआ है कि आपका AR01, इसका ये नहीं कि इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन है ये, और ये आपका 8389 इसका नंबर प्लेट लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और टूथिंग हॉस्पिटल में ऐसा होना नहीं होना चाहिए, तो हम जो सोच रहे हैं कि टूथिंग हॉस्पिटल में टूथिंग का अंदर में पेशेंट के लिए एक एम्बुलेंस और टूथिंग टू यिंगक्योंग पासगत दौड़ने के लिए इमरजेंसी के लिए और एक एम्बुलेंस चाहिए, दो होना चाहिए टूथिंग में। देखिए सब जगह में दो दो एम्बुलेंस है, तीन तीन एम्बुलेंस है और बस भी है। देखिए हमारा टूथिंग में एक ही एम्बुलेंस है, ऐसा आप लोग मत कीजिए। कोई किसी के पास पैसा होता है, कोई किसी का पैसा नहीं होता है, जो किसी के पास पैसा नहीं होने से जो एम्बुलेंस में सफ़र कर सकता है, जो प्राइवेट का गाड़ी को रिजर्व नहीं कर सकता है, यहाँ से प्राइवेट गाड़ी रिजर्व करने से एक समूह आपको विंगर कितना लेगा, आपको यिंगक्योंग आपको रिजर्व करने से 7,000 8,000 ले लेगा, और रास्ते में काना साना पी लेगा, पानी पुनी पी लेगा,
ऐसे ऐसा हो गया 2000 पहुंच जाएगा तो गरीब आदमी लोग आधा रास्ते में मर जाएगा, ऐसे आप लोग मौत कीजिएगा। तो मैं ब्लॉग बना के काफ़ी टाइम हो गया, तो इसी ब्लॉग में मैं तूतिंग हॉस्पिटल में आप लोगों को मैं जय हिंद करता हूँ। जय हिंद।